पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जनपद सीतापुर के चौथे चरण में चुनाव होना तय हुआ है। ऐसे में पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सारे बूथ स्थलों का चयन हो चुका है। प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं एवं जनता को शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने में अपील कर रहे हैं। यह बात विकासखंड सिधौली के निर्वाचन अधिकारी रामेश्वर सिंह ने बताई। साथ ही उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र 27 तारीख से बिक रहे हैं एवं आगामी 18 अप्रैल तक जमा होंगे। 18 अप्रैल दोपहर 1 बजे तक नामांकन पत्रों का विक्रय होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन पत्र जमा करने किसी भी जुलूस के साथ नहीं आएगा। प्रत्याशी स्वयं अपना एवं अपने प्रतिनिधि को अकेले भेजकर नामांकन पत्र जमा कर सकता है। यदि उसने आचार संहिता का कोई उल्लंघन किया तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं यूपी 100 न्यूज टीवी। चुनाव की तारीखें क्लियर हो चुकी हैं। चौथे चरण में जनपद सीतापुर में चुनाव होना है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, पंचायत चुनाव के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जी। नामांकन पत्र आज 27 तारीख से बिकना शुरू हो रहे हैं जी। जो नामांकन पत्र ये 17 से जमा होंगे और 17-18 दो दिन जमा होंगे जी। और नामांकन पत्र भी 18 तारीख को 1 बजे तक बिक्री होगी उनकी जी। साथ साथ 17 तारीख से हमें नामांकन पत्र सारे जमा कराना है। नामांकन पत्र जमा कराने का सुबह प्रातः 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहेगा जी। सर, अभी तक कितने नामांकन पत्र बिक चुके हैं? देखिए, अलग अलग पदों के लिए अभी तक जो नामांकन पत्र बिके हैं, प्रधान के लिए मैं बता दूँ आपको, आरक्षित वर्ग के लिए जी 764 और अनारक्षित के लिए 44, कुल 808 नामांकन पत्र बिके हैं जी। और इस तरह से ब्लॉक क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए 509 और अनारक्षित के लिए 16, कुल 525 नामांकन पत्र बिके हैं। इसी तरह से विरत पंचायत मेंबर के लिए आरक्षित 509 और अनारक्षित 91, टोटल 600 नामांकन पत्र ये कल तक बिके हैं। आज की बिकने की इसी 3 बजे के बाद आपकी क्लियर हो पाएगी जी, उसको हम आगे अपडेट करेंगे आपको जी। सर, नामांकन पत्र जमा करने के लिए क्या कोई प्रत्याशी जुलूस वगैरह लेके आ सकता है? नहीं, जुलूस अलाउड नहीं है। नामांकन पत्र के लिए प्रत्याशी खुद आ सकते हैं जी, या फिर उनके निर्वाचक आ सकते हैं जी। ये प्रस्तावक या निर्वाचक अभ्यर्थी होते हैं ना, निर्वाचक जी, वो आ सकते हैं जी। सर, पंचायत चुनाव में कोरोना को लेकर कोई नई गाइडलाइंस? कोरोना के लिए कोई पंचायत के लिए स्पेशल कोई गाइडलाइन नहीं है जी। जो भी कोरोना की गाइडलाइंस चल रही हैं उसी के अंदर सबको प्रतिपालन करना है उसका। अच्छा सर, जो आचार संहिता का उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस पर कार्रवाई? उसके लिए हमारे सारे पुलिस अधिकारी लोग और SDM साहब लोग, ये सारे लोग लगे हुए हैं, क्षेत्र पे भी विजिट कर रहे हैं जी। और जो भी इसके उल्लंघन होगी, जो भी यथावश्यक कार्रवाई होती है।